सर दादा हेलो, क्या बोल रहे हो आपके सामने कल क्या बात हुई? कुमार और इस समय मैं रायपुर के धनकरी में हूँ। फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू की शूटिंग चल रही है और बड़ी खूबसूरत फिल्म बना रहे हैं प्रोड्यूसर करंदे रघुराज और डायरेक्टर मंजुल ठाकुर। मंजुल जी के साथ काम करना हमेशा सुखद रहा है। एक रजाई तीन लुगाई में काम करके दोबारा उनके साथ मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारी शादी का सस्पेंस है। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि जब ये फिल्म रिलीज हो तो जिस तरीके से आप लोगों ने पार्ट वन को, मेहंदी लगा के रखना पार्ट वन को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी मोहब्बत दी थी, इस फिल्म को उससे ज़्यादा दीजिएगा, सुपर डुपर हिट बनाइएगा इस फिल्म को। और एक बात मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद आप सबको ये एहसास होगा कि बिना मारपीट की फिल्में भी चलती हैं। हर चीज़ है इसमें, इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है। बड़ी बड़ी प्यारी सी माया जी हैं इसमें। माया जी के साथ मैंने कसम पैदा करने वाले की थी, इसमें हमारी माँ का रोल किया था, इन्होंने यादगार रोल किया था माँ का। और दोबारा मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इसमें माँ बनी थी, इसमें सासू माँ बनी है। तो चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, आशीर्वाद मिलेगा हमें और माया जी को ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि हम हर फिल्म में कहीं ना कहीं नज़र आए। हेलो सर, कैसे हैं आप? आइए मिलाते हैं इस फिल्म के हीरो से, चिंटू जी से। जी सर बोलिए। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, भाव आप सबके सबसे चहिता और आपके अपन हीरो प्रदीप पांडे चिंटू। और अभी अपनी के बानी जब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल के और बहुत ही धमाल के सिनेमा मेहंदी लगा के रखना टू, जैसा कि ये सब आपके लड़के लोग के जब आप देख रहे हैं जो मस्ती धमाल चल रहा है, वैसा ही मस्ती धमाल सा कुछ पारिवारिक सा इस सिनेमा में है जो आप सबको देखने को मिलेगा। और मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत सा सिनेमा है, एक अलग सिनेमा है जो भोजपुरी में जो लोग देखना चाहते हैं अपने पूरे परिवार, पूरे दोस्त यार के साथ, ये वैसा सिनेमा है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर जाके देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में अपने पूरे दोस्त यार के साथ, पूरे परिवार के साथ। और बस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। मेरे साथ साथ यश भाई है इस फिल्म में और हम दोनों ने काफ़ी धमाल मस्ती इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी एक जुगलबंदी हम दोनों का देखने को मिलेगा। और यश बहुत ही, हमारे यश भाई जो है बहुत ही कमाल के एक्टर है, बहुत कमाल के अभिनेता है। और ये अभिनय, हम दोनों का अभिनय, बहुत ही कमाल का अभिनय आप सबको देखने को मिलेगा इसमें। तो बस इंतज़ार करिए, जल्दी आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में होगा मेहंदी लगा के रखना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आइए मिलाता हूँ मैं आपको इस फिल्म के सबसे खास सदस्य, बहुत ही प्यारे सदस्य, और नन्हे मुन्ने से बहुत ही प्यारे सदस्य से, बहुत ही क्यूट सदस्य से। हमारी जो सबसे छोटे से शुरुआत करता हूँ, अन्नू है, और उसके बाद हमारी अनन्या है जिनके नाम पे सिनेमा का बैनर है, अनन्या क्राफ्ट क्रिएशन ऐसा कुछ है। और हमारी अदिति है, बेहद खूबसूरत, बेहद क्यूट, बहुत प्यारी। ये हमारे जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अनन्या रघुराज जी, उनकी दो प्यारी से सुपुत्री हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि कन्याओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, औरतों का बहुत ही सम्मान करना चाहिए। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं वो घर घर नहीं होता, दरिद्रों का घर पा जाता है, मेरे पिता हमेशा कहते हैं। जिस घर में औरतों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है, सरस्वती वास करती है, ज्ञान वास करता है। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, हमारे पूरे सभी हम सभी की तरफ से आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें प्रेरणा दें, जो हमारे घर की जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें प्रेरणा दें आगे बढ़ने की। मैं हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे उनका नाम, है ना, 1 2 3 मेहंदी लगा के रखना टू। आइए मिलाते हैं इस फिल्म के राइटर से, अरविंद जी से। क्या बोलना चाहते हैं इस फिल्म से? मैं आप लोग यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस पिक्चर के जो दोनों हीरो हैं, यश मिश्रा जी और चिंटू जी, इन्होंने अथक प्रयास से इस पिक्चर को खूबसूरत और अच्छा और एक हकीकत के धरातल पर लाने का कोशिश किया है, जो हमने अपने लिखने के माध्यम से चलो। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन दोनों ने मिलकर इस पिक्चर को
एक जीत का स्वरूप देने का कोशिश किया है और मैं उम्मीद करता हूँ एक ब्लॉकबस्टर आइए मिलते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी से और ये क्या बोलना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में। जी सर बोलिए। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। थोड़ा लाउड क्या बोलना है भाई? फिल्म से रिलेटेड क्या कहेंगे इस फिल्म के लिए आप? कैसा अनुभव है? अनुभव तो इस फिल्म का अनुभव एक्चुअली चैलेंजिंग आपके लिए कितना चैलेंजिंग है क्योंकि पार्ट वन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और इस फिल्म में दो हीरो हैं, एक हैं अपने चिंटू जी और यश जी, दोनों बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। फिल्म लव स्टोरी है, बहुत इमोशनल लव स्टोरी है। मैं अक्सर आप लोग के पास तक इमोशनल फिल्में देता रहा हूँ और अब जो इमोशनल फिल्म दे रहा हूँ वो कहीं उससे ज़्यादा इमोशनल है, जो आपको थिएटर पे जरूर जरूर रुलाएगा और हंसने वाली बात तो फिल्म में है ही। और बाकी आप लोग देख के बताएंगे, हम लोग तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। वैसे मंजुल जी की जितनी भी फिल्में इन दिनों की देखेंगे आप, आउट एंड आउट कॉमेडी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डालते हैं। अभी तक लोगों को हंसाया था, इसमें हंसाएंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रुला दें, जो भी थिएटर में फिल्म देखने आएगा बोलेगा वाह व्हाट इज दिस, क्या सिनेमा है। एंड रियली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ काम करके।